मेरे पाकिस्तानियों, नामूस रिसालत का आलम, कलमा हक का आलम, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालना, और आज इस मुल्क में क्या हो रहा है कि खान को, मेरे लीडर को आज -1 के चक्कर में फंसाया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। ये किस सोच पे ये चले हुए? ये जो भी सोच रहे हैं, इमरान खान हकीकत है। इमरान खान आम पाकिस्तानी की आवाज है, उसके साथ पाकिस्तानी कौम जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी कौम सब चीजों पे कुर्बानी दे सकती है। पाकिस्तानी कौम अल्लाह अल्लाह के महबूब, इस धरती मां फौजे पाकिस्तान, और फिर इमरान खान पर कभी सौदेबाजी नहीं दे सकती। इमरान खान दिलों में बसता है। इमरान खान दिलों को अल्हम्दुलिल्लाह अपने फजल से, अल्लाह अपने फजल से इमरान खान को अल्लाह ने ये इस्तेताद दी है उनके किरदार और अमल से कि लोगों के दिलों में इमरान खान को उतार दिए। वो कमबख्त हो और वो हराम खोरों का टोला इलेक्शनों से भाग रहे हो, और अभी पीठ पीछे वार करना, मुख्तलिफ तरीकों से इमरान खान को गिराना, वो इज्जत और जिल्लतों का मालिक अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसने बचाया आग में? यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में किसने बचाया? अल्लाह वही अल्लाह है। आपके और मेरे मुल्क के मदरसों के अंदर बच्चों को ड्रोन से मारा जाता था। कबाइल पाकिस्तान के हर लोगों की तस्वीर हो रही थी, लूट बाराम थी, ताने बिक रहे थे, इज्जतों के जनाजे निकाले जा रहे थे, पाकिस्तान की तस्लील और पाकिस्तानियों की तस्लील ये जालिम कर रहे थे। कौन आया इनकी आवाज बनने के लिए? एक शख्स आया, इमरान खान। इमरान खान ने अपना सब कुछ कुर्बान किया मेरे और आपके मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, मौका आया हुआ है। खान याद रखो, मिस्र की हालत देख लो, अख्वान मुस्लिमीन क्या हुआ उसके साथ, किसके इशारों पे जा रहे? अभी इसराइल को तस्लीम करना।